राजस्थान में पहले चरण का चुनाव होना है, 12 लोकसभा सीटों पर ये चुनाव होगा। तो वहीं भरतपुर लोकसभा सीट पर भी मतदान होगा, जिसके लिए आज मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण देकर बूथों के लिए रवाना किया गया। आज शाम तक सभी मतदान केंद्रों पर मतदान दल और सुरक्षा बल पहुंचकर अपने अपने बूथों को संभालेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 21,14,916 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जो है सुबह 8 से 11 में 4 विधानसभाओं की, 11 से 1 के अंदर अगले 3 विधानसभाओं की, सभी पार्टियों को निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव जो है निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना है। ईवीएम की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह फॉलो करें। मॉक पोल की जो प्रक्रिया है सुबह 5:30 से स्टार्ट करना है। अगर एजेंट्स नहीं होते हैं तो 15 मिनट का इंतजार करके कराने हैं, पूरे 50 वोट कराएं, और उसके बाद 7 बजे से एक्चुअल पोल, और उसके हर 2-2 घंटे में रिपोर्टिंग। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सतपाल भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतपाल, कल मतदान होना है, क्या आज सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है और उनको पूरी तरह से प्रशिक्षण दे दिया गया है? मैं चाहूंगा कि कल जो मतदान होना है लोकसभा का प्रथम चरण के चुनाव, राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों में होना है, भरतपुर प्रथम चरण चुनाव होना है, तो भरतपुर में जो अंतिम प्रशिक्षण जो मतदान दल रवाना किए गए उनको अंतिम प्रशिक्षण देकर सभी मतदान दलों को रवाना किया गया है। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में 2000 से ऊपर मतदान के बूथ बनाए गए हैं, और जो भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीटें तो उनसे बात करें तो 1792 जो मतदान केंद्र उन पर आज सभी पार्टियों पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया अंतिम प्रशिक्षण देके, तो और जो भी आवश्यक निर्देश थे जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि जो मशीन है उसको छोड़कर नहीं जाए और पुलिस सुरक्षा के साथ ही उसको साथ लेकर आए, कहीं भी बीच में रुके ना, जो भी उनको आवश्यक दिशा निर्देश उनको दे दिया गया है। और आज भरतपुर एमएसए कॉलेज से सभी को प्रशिक्षण देकर रवाना कर दिया गया है। कल जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि शांतिपूर्ण और भयमुक्त निष्पक्ष चुनाव कराना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, और प्रशासन पूरी तैयारी के साथ मतदान कराने में लगा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सतपाल। तो वहीं मरुधराम